कौन? अमित त्यागी। 60 केसेस इसमें पिस्टल है। सर एक सेकंड। सर इसका प्रेस नोट नहीं मिला लेकिन अभी तो ब्रीफिंग दो बार आरोप किए हैं। घरों में भी तलाशी है। दोनों की कीमत जो है अलग अलग हो सकता है 3-4 लाख रुपए। फ्री फाइट। मुझे हथियार रखने। जितेंद्र त्यागी जी को कैसे जानते हो आप? जी ये बताइए, आप हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े हुए हैं? एक नहीं, हथियार कहाँ से आए? इतने हथियार कहाँ से आए आपके पास? पार्टी बाजी इस वजह से रखने पड़ते हैं। कितने हथियार थे आपके पास? जो बरामद है सबके। सब आप ही के थे? हाँ। जिस तरह से एक सवाल ये भी उठ रहा था कि किसी विधायक पर हमले करने की प्लान थी, ऐसा भी सब बेकार की बात है। तो आप किसको छुड़ाने के लिए थाने में गए थे? देखिए थाना मोदी नगर क्षेत्र में ये अवैध असले बरामद हुए हैं। 3 इसमें अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिनमें से एक हिस्ट्री शीटर थाना मुरादनगर का है, जिसपे 4 हत्या के पूर्व में मुकदमे, टोटल 9 केसेस हैं। 3 पिस्टल फॉरेन मेड बरामद हुई हैं और 6 तमंचे बरामद हुए हैं। करीब 100 कारतूस मिले हैं, जिसमें से प्रोहिबिटेड बोर के 7.62 mm के भी कारतूस हैं और बाकी 32 mm के कारतूस हैं और अन्य भी सामग्री मिली है। जैसे एक चाकू मिला है, जो हथियार हैं उन्हें साफ करने के उपकरण हैं वो सब मिले हैं। इन तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनके कब्जे से 2 गाड़ियां भी मिली हैं, जिनमें से एक गाड़ी तो इन्हीं की है, दूसरी गाड़ी की तस्दीक किया जा रहा है कि वो किसकी गाड़ी है। सर नाबालिगों की क्या भूमिका? 3 नाबालिग बच्चे हैं, वो भी गिरफ्तार हुए हैं। ये पूरा विवाद वहीं से शुरू हुआ। एक स्कूल पढ़ता है, पब्लिक स्कूल थाना मोदी नगर क्षेत्र में, उसके बाहर फायरिंग हुई। एक लड़के ने फायरिंग की, उसके साथ और भी अन्य लड़के थे, करीब 10 राउंड फायरिंग हुई। उन्हें पुलिस ने मौके पे जाके पकड़ा, वो तीनों नाबालिग हैं। सर किसी विधायक पे हमले की साजिश भी थी क्या, ऐसा कुछ सामने आया? वो सारी चीजें जांच का विषय है। ये लोग कहां से आ रहे हैं? ये अरेस्ट कहां से हुए? ये अरेस्ट कहां से हुए? ये थाना मुराद थाना मोदी नगर क्षेत्र से था। सर इनके पास थाने में लेके गए थे हथियार? हाँ, इस तरीके की बात भी आई है कि थाना से जुड़े हुए हैं। वो जांच का विषय है। सर जो 100 गाड़ी जिनसे बरामद हुए वो कहां से परचेज की, कहां से? एक अभियुक्त का नाम इनके द्वारा बताया गया है, उसने सप्लाई किए हैं, तो उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं और उसकी भी शीघ्र उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। क्या हिंदू युवा वाहिनी से भी इनका कुछ? अभी जांच का विषय है। सर जितेंद्र त्यागी इस मामले में कैसे, इनके कोई जानकार है क्या है कुछ ऐसा? हाँ, एक इनके जानकार एक उस प्रकरण में थे, स्कूल वाला प्रकरण। सर बस ये एक बार ब्रीफ में बता दीजिए कि क्या बच्चों की वजह से ये गोली चली, क्या इतने थी, उसका कारण क्या था? देखिए स्कूल में टीचर्स डे को 5 सितंबर को बच्चों के 2 ग्रुप में लड़ाई हुई थी और उसी वही लड़ाई जो है बढ़ी और स्कूल के बाहर फिर लड़ाई हुई, स्कूल के बाहर उसी को लेकर गोली चली और उसके बाद इस घटनाक्रम जो है पारित हुआ। अब इसकी पूरी प्रकरण की जो है जांच होगी, जैसा कि मैंने बताया इनमें से एक अभियुक्त हिस्ट्री शीटर है और आपराधिक इतिहास उसका है, सारा असला बरामद हुआ है, कार्रवाई कर रहे हैं और कायदे से जांच करेगी कहां से इसका सो है, कहां से इतना असला है।